उनको आ जाने दो। बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और ये 12वां साल है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद गुप्ता जी को, जिन्होंने एक शुरुआत की थी और तब किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा बन जाएगा। और ये विनोद गुप्ता जी की सोच ही थी कि उन्होंने शुरुआत किया था और आज इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। सभी लोग इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम सब विनोद जी के साथ हैं। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि ऐसे ही अवार्ड और बड़ा हो और आगे बढ़े। जी हम लोग जब भी अवार्ड शो में आते हैं तो बहुत खुशी होती है, बिकॉज हम लोग जो मेहनत करते हैं फिल्म बनाने में उसका रिवॉर्ड हम लोग को यहाँ पे मिलता है। ऑडियंस तो देती है, उसके बाद यहाँ पे मिलता है और उसके बाद हम लोग को बहुत एक्साइटेड फील होता है आगे भी काम करते रहने का और बेहतर काम करने का। तो मुझे अवार्ड शो में जाके बहुत मज़ा आता है और यहाँ पे भी आके मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आपको याद है कि जो पहली बार अवार्ड मिला था कौन सी फिल्म के लिए था और कितना कितनी खुशी मिली थी? बहुत खुशी मिली थी मुझे। पहला अवार्ड मिला था निरहुआ चलल ससुराल के लिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था मुझे बनारस घाट पे। वो मिला था मुझे 2007 और ये है 2017, मतलब 10 सालों से ये अवार्ड मिल रहा है। तो ये हमारे जो दर्शक हैं उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना आशीर्वाद प्यार एक दशक तक बनाए रखा, 10 वर्षों तक बनाए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद है कब पहला अवार्ड मिला था? जी मुझे मेरा पहला अवार्ड मिला था मॉरिशस में बेस्ट डेब्यूटेंट का, मेरी लाइफ चेंजिंग मूवी निरहुआ हिंदुस्तानी के लिए। और मैं बहुत खुश थी और मुझे अभी भी याद है कि मैं इतना कांप रही थी स्टेज पे जाने से पहले कि मैं जब मुझे अवार्ड मिला तो मैंने माइक हाथ में लेके थैंक यू तक नहीं बोला किसी को। तो आज मैं उसका थैंक यू बोल देती हूँ मेरे को एक्टर, मेरे प्रोड्यूसर सबको। आगे जो फिल्म की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं फौजी के ड्रेस में ही आ गया हूँ, वो इसलिए कि अगली जो हमारी फिल्म है वो है बॉर्डर, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अपने अवार्ड कराने वाले जो हमारे प्रबंधक लोग हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसी फिल्म हम बनाने जा रहे हैं कि 10-12 अवार्ड आप तैयार रखिए अगले बार के लिए, अगले साल के लिए। तो बॉर्डर आ रही है, 10-12 अवार्ड लेके जाएगी। मेरी बॉर्डर आ रही है, निरहुआ चलल लंदन आ रही है, गबरू आ रही है और हिंदुस्तानी 3 आ रही है, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और बहुत सारी फिल्में आ रही है। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस अवार्ड में आने के लिए इसलिए भी हूँ क्योंकि आज मेरी फैमिली मेरे साथ आई है फर्स्ट टाइम, मेरी मॉम आई है, मेरी दीदी आई है। तो मैं वो पहले वाले क्वेश्चन में बोलना भूल गई थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपसे लास्ट सवाल बिग बॉस के बारे में, आप बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, आपका जो व्यवहार है काफ़ी शांत प्रिय इंसान है और बिग बॉस में आप देखते हैं जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं काफ़ी यू नो बोलचाल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि मुझे भी अब जाना चाहिए था क्योंकि शांतिप्रिय पहले जब मैं गया था तो मैं तो यही समझता था कि रियलिटी शो का मतलब यह है कि आप रियल क्या हो वो दुनिया देखे आपको। जब हम फिल्म करते हैं, हम कोई किरदार करते हैं तो हम कोई किरदार को निभाते हैं, वो जैसा हमको डायरेक्टर कहते हैं वैसा निभाते हैं। पर ऐसे शो में वो दिखना चाहिए जो आप खुद हो, तो मैं वही दिखा जो मैं खुद हूँ। पर अभी जब मैं बिग बॉस देखता हूँ तो मुझे लगता है ये लोग देख के गए हैं और इनको लगता है कि सिर्फ लड़ना ही है वहाँ जाके, सिर्फ झगड़ना ही है और ये लोग मौका ढूंढते रहते हैं लड़ने का, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। फिर तो फिल्में ही कीजिए और ऐसे किरदार ही कीजिए, फिर आपकी रियलिटी लोगों को पता नहीं चल पाएगी कि आप अंदर से क्या हो। अगर वो जानना है तो आपको रियल रहना चाहिए। Thank you.